स्टूडेंट्स, टॉपोलॉजी में हम लोग लास्ट लेक्चर नंबर 3 तक देखे थे। आज होगा लेक्चर नंबर 4, टॉपोलॉजी का लेक्चर नंबर 4। तो देखो, यहाँ पे टॉपोलॉजी लेक्चर नंबर 4, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे के बेसिस फॉर टॉपोलॉजी क्या होता है। बेसिस फॉर टॉपोलॉजी, अच्छा, एक टॉपोलॉजी के लिए बेसिस क्या होता है, ठीक है। तो लिखो, डेफिनेशन ऑफ बेसिस फॉर टॉपोलॉजी। बेसिस फॉर ए टॉपोलॉजी, जैसे याद करो तुम लोग वेक्टर स्पेस में बेसिस पढ़े थे ना, कि कोई भी वेक्टर स्पेस है तो उसके लिए बेसिस क्या होता था, ठीक है। वहाँ पे मैं अब लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे नहीं जाऊँगा। अच्छा, सेम कॉन्सेप्ट के हिसाब से ही है कि यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी टॉपोलॉजी के लिए बेसिस क्या होता है। अच्छा, वहाँ वेक्टर स्पेस के लिए जैसे बेसिस होता था, ठीक है, वेक्टर स्पेस के लिए बेसिस क्या था, कि भी कोई एक वेक्टर स्पेस है, ओवर ए फील्ड एफ। अच्छा, एक सेट है ए सबसेट भी, एस को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे। नंबर वन, एस इज लिनियरली इंडिपेंडेंट, एल आई लिनियरली इंडिपेंडेंट। एंड नंबर टू क्या था, एल एस इज इक्वल टू वी, एस जनरेट वी, देन एस इज ए बेसिस ऑफ, देन एस इज ए बेसिस ऑफ वी था वेक्टर स्पेस में। तो वैसे कुछ काम हम लोग यहाँ पे करेंगे टॉपोलॉजी में, कि अगर एक टॉपोलॉजी है तो उसमें बेसिस क्या होता है। तो टॉपोलॉजी में हम लोग बेसिस देखेंगे कि व्हाट इज ए बेसिस फॉर अ टॉपोलॉजी। तो देखो, मैं पहले डेफिनेशन लिख रहा हूँ, उसके बाद एग्जांपल दूंगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो कि एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट। एक्स कोई तुम्हारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक कलेक्शन जिसको हम लोग स्क्रिप्ट बी से डिनोट करते हैं, ए कलेक्शन स्क्रिप्ट बी, ठीक है, ए कलेक्शन स्क्रिप्ट बी। ए कलेक्शन में क्या आएगा, ये जो सेट है इसमें एलिमेंट जो आएगा वो एक्स का जो सबसेट है वो आएगा, एक सबसेट ऑफ एक्स। सबसेट ऑफ एक्स कहाँ पे आता है, पावर सेट ऑफ एक्स में क्या होता है, ऑल सबसेट आता है। तो जो एक्स का सबसेट्स है वो सब यहाँ पे आएगा, अच्छा, वो सब का एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। तो ए कलेक्शन बी ऑफ ऑफ क्या, ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। ए कलेक्शन बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन बी जो है वो क्या है, एक्स का जो जो सबसेट्स है। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, एक्स का सबसेट आएगा। अच्छा, दो तीन चार पाँच कुछ भी सबसेट्स आ सकता है। अच्छा, एक्स जो सेट है उसका सबसेट्स यहाँ पे आता है। अच्छा, ए कलेक्शन बी ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स इज सेट टू इज सेट टू बी ए बेसिस ऑफ, इज सेट टू बी ए बेसिस ऑफ, इज सेट टू बी ए बेसिस, बेसिस बोलेंगे किसका, बेसिस ऑफ मत बोलो, बेसिस फॉर ए टॉपोलॉजी, बेसिस फॉर ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स इफ इफ दो कंडीशन है। अच्छा, दो कंडीशन है, अगर ये दो कंडीशन होल्ड होता है तो हम लोग ये जो कलेक्शन बी है ना, इस कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे, इस सेट टू बेसिस फॉर दैट टॉपोलॉजी। टॉपोलॉजी यहाँ पे कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे पहले तुम समझो कि बेसिस क्या होता है। कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन ये नंबर वन, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स तो एक नॉन एम्प्टी सेट है ना, कैपिटल एक्स में सपोज मानो कि ए बी सी है, तो एक्स में जितना सारा एलिमेंट है सबके लिए, फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट जिसको हम लोग बी से डिनोट करते हैं। देखो ये सिंपल बी है, एक सेट है। देखो स्क्रिप्ट लेटर हम लोग कब यूज करते हैं बोल दो, जो क्या होता है सेट के अंदर सेट, जैसे टाउ, टाउ के अंदर क्या एलिमेंट होता है, सेट के अंदर सेट होता है, ठीक है, एक्स का सबसेट वहां पे आता है।
तो स्क्रिप्ट लेटर में हम लोग क्या डिनोट करते हैं, जो सेट में एलिमेंट्स क्या है, सेट है, तो दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी जो बिलोंग्स टू कहां पे होगा, बिलोंग्स टू होगा स्क्रिप्ट बी, ठीक है, जो कलेक्शन है कि किसी भी सेट के लिए कोई एक सेट एक्स है, कोई एक सेट कैपिटल एक्स है, नॉन एम्प्टी सेट, एक कलेक्शन बी है स्क्रिप्ट बी जो एक्स का सबसेट से बना हुआ है कलेक्शन है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे फॉर ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स, क्या हो कि एक्स का हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिले तुमको, फॉर ईच एक्स दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी, बी मिलेगा। अच्छा बी क्या है, बी एक सेट है, कैपिटल बी स्क्रिप्ट बी जो है वो तो उस सेट में क्या है, एलिमेंट भी सेट है, वो सेट क्या है, एक्स का सबसेट, तो एक असल में एक कैपिटल बी क्या है बोलो तो, एक्स का सबसेट, ये कैपिटल बी जो है वो क्या है, एक्स का सबसेट, तो दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट कैपिटल बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी सच दैट, क्या सच दैट वो जो एक्स था ना वो एक्स तुम्हारा उस बी में होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, दिस वन इज द फर्स्ट कंडीशन। बेसिस होने के लिए दो कंडीशन है, पहला कंडीशन क्या बोल रहा है कि फॉर ईच एक्स, एक्स में जो जो एलिमेंट्स है हर एक के लिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के लिए, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलना चाहिए, वो जो कलेक्शन भी है ना उसमें तुमको सेट्स मिलना चाहिए, हर एक के लिए सेट मिलना चाहिए, सच दैट क्या हर एक एलिमेंट कोई ना कोई सेट पे प्रेजेंट होगा, बी के अंदर जो सेट है कोई ना कोई में प्रेजेंट होगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, एग्जाम्पल आऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। नंबर टू देखो कि फॉर ईच एक्स इन द इंटरसेक्शन, इन द इंटरसेक्शन लिखो मैं समझा रहा हूं, इन द इंटरसेक्शन फॉर ईच एक्स इन द इंटरसेक्शन, फॉर ईच एक्स इन द इंटरसेक्शन ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑफ टू एलिमेंट्स, ऑफ टू एलिमेंट्स किसका, जो स्क्रिप्ट बी है, बी वन बी टू, सपोज मैंने बी वन बी टू दो एलिमेंट ले लिया, ऑफ बी, ऑफ बी, ऑफ स्क्रिप्ट बी, ऑफ स्क्रिप्ट बी दे आर एग्जिस्ट ए थर्ड एलिमेंट, दे आर एग्जिस्ट ए थर्ड एलिमेंट, ए थर्ड एलिमेंट बी थ्री, थर्ड एलिमेंट बी थ्री बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, जिस बी थ्री में क्या होगा वो एक्स कंटेन करेगा, कॉन्टेनिंग एक्स, बी कॉन्टेनिंग एक्स, वो एक्स बी थ्री के अंदर एक्स होगा, बी थ्री एक्स को कॉन्टेन करेगा, बी थ्री कॉन्टेनिंग एक्स सच दैट एक्स, सॉरी सच दैट बी थ्री इज ए सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू। देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि देखो कैपिटल स्क्रिप्ट बी में क्या है, स्क्रिप्ट बी को हम लोग बेसिस बोल रहे हैं, तो इसके अंदर सेट है, तो तुमने कोई भी दो एलिमेंट लिया माने स्क्रिप्ट बी में, सपोज बी वन और बी टू, बी वन बी टू क्या है बोलो तो, दिस इज द सबसेट ऑफ एक्स जो कैपिटल स्क्रिप्ट बी में है, तो बी वन बी टू में दो सेट के अंदर कुछ कॉमन एलिमेंट्स हो सकता है, तो जो जो कॉमन एलिमेंट्स है, सपोज एक्स कॉमन एलिमेंट है फॉर ईच एक्स, अगर स्क्रिप्ट बी में कोई भी दो एलिमेंट है उसके बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो कॉमन एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, उस कॉमन एलिमेंट के लिए एक थर्ड एलिमेंट रहना पड़ेगा बी में, जो स्क्रिप्ट बी है द थर्ड एलिमेंट वी थ्री, सच दैट क्या होगा उस बी थ्री में एक्स रहेगा, बी थ्री में एक्स रहेगा, एक्स कॉमन में अगर है तो एक्स एक्स थर्ड में, थर्ड एक एलिमेंट में रहना पड़ेगा, सच दैट वो जो थर्ड वाला है ना वो दोनों का इंटरसेक्शन का सबसेट होगा। इसको मैं थोड़ा सेकेंड कंडीशन को थोड़ा सा मैं ऐसे समझा रहा हूँ, देखो दैट इज सेकेंड कंडीशन को, दैट इज इफ एक्स बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू, माने ऐसा कोई एलिमेंट है जो स्क्रिप्ट बी जो जिसको तुम बेसिस बोलना चाह रहे हो उसके दो एलिमेंट्स के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट है, तो ए एलिमेंट किसी थर्ड एलिमेंट में आना चाहिए बी का, ठीक है, वायर क्या, वायर बी वन बी टू बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, और बी वन बी टू बिलोंग्स टू क्या स्क्रिप्ट बी, ठीक है, देन देन दे आर एग्जिस्ट, देन दे आर एग्जिस्ट बी थ्री बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी कॉन्टेनिंग एक्स, कॉन्टेनिंग एक्स सच दैट क्या, सच दैट बी थ्री इज ए सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन
बी टू, ठीक है। तो बात समझो क्या बोलना चाह रहा है कि एक नॉन एम्प्टी सेट है, एक कलेक्शन बी को जो जिसके अंदर क्या एलिमेंट्स है, सबसेट्स ऑफ एक्स है, इज सेड टू बी बेसिस फॉर ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स, अगर ये दो कंडीशन होल्ड होता है। पहला कंडीशन क्या है कि एक्स के अंदर जितना सारा एलिमेंट है हर एक के लिए क्या होना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट के लिए कॉरस्पॉन्डिंग क्या होना पड़ेगा, स्क्रिप्ट बी में एलिमेंट बी रहना पड़ेगा। ए एलिमेंट क्या, स्क्रिप्ट बी का एलिमेंट माने एक सेट है, अच्छा तो सेट के अंदर सेट, तो एक एलिमेंट यहां पे है तो उसके लिए एक बी बी आना पड़ेगा, सच दैट एक्स उस बी में आए, इस बी में, ठीक है। एंड दूसरा बात क्या बोला है कि अगर कोई एक्स क्या हो रहा है कि स्क्रिप्ट बी के दो एलिमेंट में आता है, माने कॉमन में आता है, इंटरसेक्शन में आता है, जो जो आएगा, ऐसा नहीं कि एक फॉर इच के लिए जो जो आता है, तो हर एक के लिए क्या होना पड़ेगा, अगर एक्स इंटरसेक्शन में है बी वन बी टू स्क्रिप्ट बी में अगर है तो क्या होना पड़ेगा, उस एक्स को थर्ड एक बी थ्री में रहना पड़ेगा, स्क्रिप्ट बी का एलिमेंट जो एक्स को कॉन्टेन करता है, अच्छा। एंड वो जो बी थ्री है ना वो क्या होगा, बी वन इंटरसेक्शन बी टू का सबसेट होगा, ठीक है। अब ये जो स्क्रिप्ट बी है इसको तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस बोलेंगे, इस सेट टू भी क्या बोला है मैंने, एक कलेक्शन भी इस सेट टू भी बेसिस, इसको बेसिस बोलेंगे। और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होगा ना, द एलिमेंट्स ऑन द बेसिस इज कॉल्ड बेसिस एलिमेंट, ये जो बी वन बी टू ये सब है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिस एलिमेंट। तो एक रिमार्क करके यहां पे लिखो, मैं एग्जांपल अभी ले रहा हूं, रिमार्क क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ द बेसिस, एवरी एलिमेंट ऑफ द बेसिस इज नोन एज ए बेसिस एलिमेंट, अच्छा। माने बेसिस जो होता है वो तो एक सेट है जो कलेक्शन बी है, जैसे मैं देखो मैं एक काम कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेने से क्लियर होगा, मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल ले लूंगा, बेसिस होगा एक होगा नहीं होगा, एग्जाम्पल ठीक है। लेट मैंने क्या किया, लेट कैपिटल एक्स मैंने ले लिया ए बी सी डी, ठीक है, अच्छा यहाँ पे कर लूँगा, एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लेट एक्स इज दिस, ठीक है, एंड बी मैंने लिया, एंड ये जो बी है स्किप बी, इसमें मैंने क्या किया, एक लिया ए बी, बोलिए स्किप बी में क्या होगा, एक्स का ही सबसेट होगा, सपोज मैंने लिया क्या ए बी, अब तुम मुझे बोलना कि बेसिस होगा या नहीं होगा, बी सी एंड बी, चलो मैं ही बोल रहा हूँ, पहले समझा दे रहा हूँ, देखो देखो पहला कंडीशन क्या बोलता है समझो, ए एक्स क्या है, एक नॉन एम्प्टी सेट है, दिस एक्स इज नॉन एम्प्टी सेट। अब मुझे देखना है, मैंने तुमको ये सेट दिया बी, बोलो ये जो बी सेट है ये तो एक्स के सबसेट से बना हुआ है, देखो ए क्या है, ए एक एक्स का सबसेट है, ए भी एक एक्स का सबसेट है, ए बी सिंगल सेट, ए भी एक इसका सबसेट का कलेक्शन है, तो एक्स का कुछ सबसेट लेके मैंने एक बी बनाया है। अगर इसको बेसिस बोलना है ना, अगर इसको मैं बेसिस बोलूंगा किसी टॉपोलॉजी का ऑन एक्स, अगर मैं इसको बेसिस बोलूंगा किसी एक टॉपोलॉजी का, मैंने यहां पर टॉपोलॉजी नहीं दिया, ठीक है, अगर इसको मुझे बेसिस बोलना है किसी एक टॉपोलॉजी का ऑन एक्स, तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए, तो कैपिटल एक्स में यहां पर क्या क्या एलिमेंट है, कैपिटल एक्स में यहां पर क्या क्या एलिमेंट है, ए है बी है सी है डी है, ये चार एलिमेंट है, तो हर एक के लिए, तो हर एक माने चलो ए के लिए बोलो, तो ए के लिए, ए के लिए क्या मिलना चाहिए, फॉर इच एक्स बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू स्किप बी, तो यहां पे बी का रोल कौन प्ले करेगा, आइदर ये नहीं तो ये, नहीं तो ये, ए भी बी हो सकता है, ए भी बी हो सकता है, ए भी बी हो सकता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो सबके लिए तुमको यहां पे इस स्क्रिप्ट बी में एलिमेंट मिलना चाहिए। ये सब क्या है, ये सेट है, सेट के अंदर सेट है, बट ये एलिमेंट्स है ना, दिस आर द एलिमेंट्स ऑफ बी, स्किप बी का एलिमेंट्स। तो देखो मैं अगर पूछूं कि ये जो ए है, ए यहां पे किसी में है क्या, ऑब्वियसली है ए यहां पे है, तो बी देखो तो बी यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, तो जिसको बेसिस होना है ना, मैं हर एक को अब देखूंगा, हर एक एलिमेंट को, एक्स के हर एक एलिमेंट जिसको तुम बेसिस बोलना चाह रहे हो उसमें क्या होना पड़ेगा, उसके किसी ना किसी एलिमेंट में उसका जो एक्स का जो एलिमेंट है वो प्रेजेंट होना है, ए प्रेजेंट है, एक में है, एक में होने से चल जाएगा, दो में होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। बी देखो यहां पे तीनों में है, ए बी बी पी तीनों में है, सी देखो सी यहां पे है, माने मुझे एक बी मिला,
ठीक है, मुझे एक B1 मिला जिस B1 में क्या है, C है, मुझे एक B2 मिला जिस B2 में B है, मुझे एक B3 मिला जिस B3 में A है। समझ पा रहे हो कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट कैपिटल बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, एक एलिमेंट बी मिलना चाहिए सच दैट एक्स क्या हो, एक्स उस बी में कंटेन करे उसके अंदर। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डी है ना, यहाँ पे डी है तो कैपिटल एक्स में डी है, बट मुझे बोलो तो डी को कंटेन करने वाला ऐसा कोई एलिमेंट क्या है स्किप बी में, डी ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, तो इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाया। इसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो तुम्हारा स्किप बी है जो असल में एक्स का सबसेट से ही बना हुआ एक सेट था, दिस इज नॉट ए बेसिस फॉर एनी टॉपोलॉजी ऑन एक्स। ये जो मेरा एक्स है इस एक्स के लिए ये क्या नहीं होगा, बेसिस नहीं होगा। क्लियर हो रहा है मेरा बात? अब यहाँ से मैं इसको एक बार लिख रहा हूँ, अच्छा जो रीजन है उसको मैं एक बार लिख दूंगा तो क्लियर हो जाएगा। हेयर बी इज नॉट ए बेसिस, लिखो हेयर बी इज नॉट ए बेसिस, हेयर बी इज नॉट ए, हेयर स्क्रिप्ट बी, हेयर स्क्रिप्ट बी इज नॉट ए, इज नॉट ए बेसिस, ये कोई बेसिस नहीं है फॉर एनी टॉपोलॉजी, फॉर एनी टॉपोलॉजी कोई भी टॉपोलॉजी ले लोगे ना तो उसके लिए बेसिस होगा ही नहीं ऑन एक्स। ध्यान में रखना है एक्स ऑन एक्स, एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एज एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट, एज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एन एलिमेंट, एन एलिमेंट इन स्क्रिप्ट बी कॉन्टेनिंग, कॉन्टेनिंग क्या, कॉन्टेनिंग डी, डी को कॉन्टेन करने वाला, डी को कॉन्टेन करने वाला ऐसा कोई एलिमेंट मुझे मिला नहीं इस स्क्रिप्ट बी के अंदर, स्क्रिप्ट बी के अंदर मुझे ऐसा कोई एलिमेंट मिला नहीं जो इस डी को कॉन्टेन करेगा, तो फर्स्ट कंडीशन वायलेट हो गया, तो मुझे सेकंड देखना भी नहीं है। अब मैं एक सेकंड एग्जांपल लूंगा, वहां पे देखो क्या होता है कि सेकंड एग्जांपल मैंने क्या लिया कि एग्जांपल लेट सपोज मैंने एक्स ले लिया इज ए बी सी डी, एक कोई एक सेट है जिसमें चार एलिमेंट है, एंड सपोज मैंने जो बी लिया ना वो तुम्हारा ऐसा कुछ लिया। अब तुम मुझे बोलो तो तुम ही एक बार ये वीडियो को पॉज करके तुम देखना कि ये क्या बेसिस होगा, सोचना पड़ेगा। देखो मैंने क्या किया, सपोज लिया अंदर लिया क्या ए बी लिया है, अंदर लिया है तुम्हारा बी सी बी डी और एक लिया है मैंने बी, ठीक है। तो ए सेट एक्स है, इस सेट एक्स के लिए मैंने ये जो बी लिखा है, देखो मैंने अपने मन से लिखा है बी, इस बी में एलिमेंट जो है वो क्या है सर, कैपिटल एक्स का सबसेट्स है, कुछ सबसेट मैंने लिया है। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ ये जो बी है स्क्रिप्ट बी, ये क्या तुम्हारा किसी एक टॉपोलॉजी का जो एक्स पे डिफाइंड है ऑन एक्स पे उसके लिए क्या ये बेसिस होगा? अब तुम बोलोगे सर अगर इसको बेसिस होना है इस सेट के अंडर में तो इसको दो कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलते हैं कि तुम अगर, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्स के अंदर जो जो एलिमेंट्स है वो सब के लिए स्क्रिप्ट बी जो है जिसको तुम बेसिस बोलना चाह रहे हो उसके अंदर मेंबर्स होना चाहिए जो हर एक को कंटेन करेगा। अब चलो पहले बारी आया मेरा ए का, ए क्या है यहाँ पे, बी के अंदर क्या ऐसा एलिमेंट है जिसमें ए कंटेन करेगा? तुम बोलोगे हाँ सर है, पहले में ही है, देखो इसके अंदर ए आता है ना, ठीक है एक आ गया, हर एक के लिए ऐसे देखना पड़ेगा। बी के बी बी देखो सर बी तो दोनों में है, मुझे एक में चाहिए, दोनों में नहीं तीन में है, चारों में है, चारों में है बी, ठीक है। अब देखो अब बोलो तो सी कहाँ कहाँ पे है, तो बोलो सी सर है यहाँ पे, सी है यहाँ पे और नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए। फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू एक्स, एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए दे आर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी कैपिटल बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, स्क्रिप्ट बी क्या है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। देखो पहले तो एक बात ध्यान में रखो, डेफिनेशन जो है ना उसको अच्छे से पढ़ना है जितना टाइम लगे,
और उसके बाद उसका कुछ एग्जाम्पल्स ले लो और बार बार डेफिनेशन को याद रखोगे, देन तुमको फर्दर जो काम है, थियोरम्स है और भी कुछ काम है उसमें तुमको ये मिलेगा, नहीं तो काम नहीं कर पाओगे। मैं बार बार देखो डेफिनेशन को इसलिए बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि एक चैप्टर जो है, एक टॉपिक जो है वो क्या बनता है, डेफिनेशंस, कुछ स्पेशल डेफिनेशन होता है, कुछ थ्योरम्स होता है, रिजल्ट्स होता है, उसी से वो चैप्टर बन जाता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने क्या बोला कि जो एक्स है इसके हर एक एलिमेंट क्या होना पड़ेगा, जिसको बेसिस बोलना चाह रहे हो उसके एलिमेंट के अंदर कम से कम एक एलिमेंट उसमें मिलना चाहिए जो हर एक एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए उसमें कंटेन करे। ए यहाँ पे है सर, बी सर सब में है, कम से कम एक मिलना चाहिए, सी सर यहाँ पे है, डी डी देखो तो डी यहाँ पे है, थर्ड और फोर्थ में है, ठीक है कोई बात नहीं है, मुझे एक में मिलना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, तो इसका मतलब ये बेसिस है, ऐसा नहीं है। सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं, अब मुझे सेकंड कंडीशन देखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन ही होल्ड नहीं हुआ था तो बेसिस नहीं बन पाया था, बट यहाँ पे फर्स्ट होल्ड हो चुका है तो मुझे सेकंड को अब देखना है। अब क्या बोल रहा है कि तुम क्या करो, अगर इसको बेसिस होना है ना तो कोई भी दो बेसिस ले लो, फॉर आर्बिट्री टू बेसिस, कोई भी, सॉरी मैं गलत बोला, बेसिस जिसको बेसिस बोलना चाह रहे हो उसके अंदर कोई भी दो एलिमेंट ले लो, ठीक है। सपोज मानो कि मैंने इसको बी वन नाम दिया, सपोज दिस वन इज ए बी वन एंड दिस वन इज ए बी टू, दोनों का इंटरसेक्शन करो, क्या बोला है, दैट इज इफ, देखो यहाँ पे देखो इसको इसको थोड़ा मैथमेटिकल में मैंने लिखा है, दैट इज इफ एक्स बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू, एक्स बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू, बोलो तो बी वन इंटरसेक्शन बी टू में कौन है, ये दोनों का इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, बी आएगा ना, तो बी बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू। अब बोला ये जो बी है ना ये कोई एक तीसरा एलिमेंट में मिलना चाहिए, अब तीसरा एलिमेंट में सिर्फ मिलने से नहीं होगा, देन दे आर एग्जिस्ट बी थ्री बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी कॉन्टेनिंग एक्स, ठीक है, माने यहाँ पे एक्स था यहाँ पे बी है, तो देखो तो ये बी कहीं तीसरे में है, तो बोलोगे हाँ सर बी तो तीसरे में जैसा यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इसको सब कुछ मैंने क्या बोल दिया, बी थ्री, बी थ्री, तो मैं बोल सकता हूँ कि बी जो है वो बी थ्री में है, और सिर्फ बी थ्री में नहीं, बी थ्री जो है वो क्या है, ये सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू। अब कोई मुझे बोलेगा सर मैं अगर इसको बी थ्री लूँ, मैं अगर इसको बी थ्री लूँ, देखो इसको बी थ्री लोगे तो नहीं होगा, तुम बोलोगे क्यों नहीं होगा सर, बी तो यहाँ पे है, बी यहाँ पे है बट बी थ्री इज नॉट ए, यहाँ पे जो बी थ्री अगर तुम इसको बी थ्री ले लोगे तो देखो ये क्या नहीं है, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू। तो मुझे तो हर एक सेट के लिए नहीं देखना है ना, मुझे कम से कम एक सेट चाहिए जिसमें क्या होगा, एलिमेंट चाहिए बी का कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, इस बी का कम से कम एक एलिमेंट चाहिए, थर्ड वाला एलिमेंट बी थ्री जिसमें बी है एंड दैट बी थ्री इज ए सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू। मैंने इसको और इसको लेके किया, ऐसे सबके लिए करना पड़ेगा तुमको, अच्छा सबके लिए करना पड़ेगा, अगर एक भी फेल हो जाएगा तो इसका मतलब वो बेसिस नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए हो रहा है, सपोज देखो तो मैंने इसको नाम दिया बी वन और इसको दिया बी टू, ठीक है, अब दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, हाँ सर बी है, तो बी यहाँ पे बी वन इंटरसेक्शन बी टू पे है, अब देखो तो ए बी, ए बी थ्री, इसको बी थ्री ले लो तब, इसको बी थ्री ले लो तब, ठीक है, इसको बी थ्री ले लो तब, ठीक है, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, और यहाँ पे ए बी बी आएगा, यहाँ पे भी बी आ रहा है, और यहाँ पे अगर सब में बी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो थर्ड वाला सेकंड वाला कंडीशन है ये भी होल्ड कर रहा है, मैंने अगर कोई एलिमेंट बी वन इंटरसेक्शन बी टू में है, माने स्क्रिप्ट बी जो है जिसको तुम बेसिस बोलना चाह रहे हो उसके अंदर उसके उसके अंदर दो एलिमेंट्स के कॉमन में आ रहा है, माने इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो वो एलिमेंट किसी तीसरे में होगा, सच दैट वो एलिमेंट किसी, अब तुम बोल गए सर मैं अगर ऐसा काम करूँ इसको बी वन लूँ, देखो कोई बोल सकता है सर मैं इसको बी वन लूँ और इसको बी टू लूँ, तो बोलो तो बी वन इंटरसेक्शन बी टू क्या होगा सर, ये तो होगा इस सिंगल इंटरसेक्ट बी, अब मुझे बोला सर बी थ्री किसको ले, अब देखो ये जो बी है, बी जो है वो तुम इसमें कहीं लोगे ना तो सबसेट नहीं होगा, देखो तुम किसी को भी बी थ्री अगर लोगे इसमें, किसी को भी अगर बी थ्री लोगे तो सबसेट नहीं होगा, क्योंकि मैं तो नहीं बोल सकता हूँ ना कि जो सिंगल इंटरसेट है इसका सबसेट ए होगा, इसमें तो दो दो एलिमेंट है, तो तुम बोलोगे सर बी थ्री किसको बोले, मैं बोलूंगा बी थ्री तुम इसको भी बोल दो, ऐसे तो नहीं बोला है ना कि बी थ्री इज अ डिफरेंट एलिमेंट अदर देन बी वन बी टू, ठीक है, तो यहाँ पे बी वन और बी टू मैंने अगर ये लिया है तो मैं बी थ्री भी क्या करूंगा, मैं बी थ्री इसको ही लूंगा, इसको ही बी थ्री लूंगा, तो बी बिलोंग्स टू क्या है, बी बिलोंग्स टू बी थ्री, अब देखो तो ये जो बी थ्री है ये सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू है ना, ठीक है, डेफिनेशन क्लियर हो पा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ इस एग्जाम्पल के लिए, मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिखो इन दिस केस, इसके लिए तो हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ देखो इस एग्जाम्पल के लिए, इसको थोड़ा सा रफ कर दो यहाँ पे, हाँ क्या लिखोगे कि इन दिस केस बी सेटिस्फाई, माने जो बी है ये सेटिस्फाई कर रहा है, इन दिस केस बी सेटिस्फाइज
बी सेटिस्फाइज बोथ द कंडीशंस, बोथ द कंडीशंस ऑफ अ बेसिस, एक बेसिस के लिए सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हेंस बी इज ए बेसिस फॉर सम टोपोलॉजी, हेंस बी स्क्रिप्ट बी इज ए बेसिस फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स, किसी एक टोपोलॉजी के लिए, ऑन एक्स के लिए मैं बोल सकता हूँ एक क्या होगा, ए बेसिस होगा, ठीक है। तो ए है तुम्हारा बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी। अब जो हम लोग देखेंगे कि टोपोलॉजी को हम लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ बेसिस, माने टोपोलॉजी जेनरेट बाय बेसिस, बेसिस दिया हुआ है तो उससे हम लोग कोई भी एक टोपोलॉजी है उसको निकालेंगे, अच्छा। या फिर एक बेसिस है, कुछ टोपोलॉजी है, तो मैं तुमको पूछूंगा कि ये जो टोपोलॉजीज है इसमें से कौन कौन इस बेसिस के द्वारा जेनरेट हुआ है, ठीक है, वो भी चेक करना है, ठीक है। तो हम लोग का जो अभी काम क्या है, अभी हम लोग काम क्या करेंगे कि किसी एक टोपोलॉजी को जेनरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बेसिस। बेसिस क्लियर हो गया, बेसिस क्या है, बेसिस सर एक कलेक्शन है जिसके अंदर क्या आता है, सबसेट्स ऑफ एक्स आता है, अच्छा। सब एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, एक कलेक्शन है बी, स्किप बी इज ए सब कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स, देन वो जो बी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिस बोलेंगे फॉर सम टोपोलॉजी ऑन एक्स इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो अब देखो नेक्स्ट काम हम लोग क्या करेंगे, टोपोलॉजी जेनरेटेड बाय ए बेसिस। अब एक बात देखो, ये जो बेसिस है इसको हम लोग कभी भी, कभी यहाँ पे ओपन बेसिस भी बोला जाता है, ऐसे ऐसे भी बेसिस को ओपन बेसिस भी कोई कोई बोलता है, ओपन बेसिस या फिर बेस भी बोलते हैं, ठीक है, बेसिस, ठीक है, बेसिस या फिर बेस, बेस ये भी नाम है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, टॉपोलॉजी जेनरेटेड बाय बेसिस, तो इसको रैप कर लेते हैं, अच्छा। बेसिस फॉर टॉपोलॉजी के बाद आज अब जो हम लोग देखेंगे वो होगा तुम्हारा कि टॉपोलॉजी को हम लोग जेनरेट करेंगे बाय द हेल्प ऑफ बेसिस, ठीक है। तो हाउ टू जेनरेट ए टॉपोलॉजी बाय बेसिस, तो हेडिंग करो टॉपोलॉजी जेनरेटेड बाय, टॉपोलॉजी जेनरेटेड बाय बेसिस, बेसिस के द्वारा टॉपोलॉजी जेनरेट करना है, हाँ, कि कोई भी बेसिस, बेसिस तो हम लोगों ने अभी बोला कि बेसिस क्या होता है। तो पहले देखो कि एक एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स बी ए, लेट एक्स कैपिटल एक्स बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, कैपिटल एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, स्क्रिप्ट बी एक क्या है, बी क्या है, एक बेसिस है, बी इज ए बेसिस नॉन एम्प्टी सेट एंड एंड स्क्रिप्ट बी दिस इज ए बेसिस, या फिर बी ए बेसिस, एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, बी क्या है, बी एक बेसिस है, ठीक है। तो लिखो द टॉपोलॉजी टाउ, द टॉपोलॉजी टाउ जेनरेटेड, द टॉपोलॉजी टाउ जेनरेटेड बाय द बेसिस बी, बाय द बेसिस, बाय द बेसिस बी इज डिफाइंड एज फॉलोज, एज फॉलोज। देखो क्या बात है कि कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है एक्स, बी क्या है, एक बेसिस है, बेसिस का मतलब तो बोला अभी, टॉपोलॉजी टाउ ए जनरेटेड होगा बाय दैट बेसिस, क्या है डिफाइंड, के ए सबसेट यू, ए सबसेट यू ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट, ए सबसेट यू एक्स का सबसेट एलिमेंट होगा, किसका, एलिमेंट ऑफ टाउ, तुमको टाउ निकालना है,
टॉपोलॉजी निकालना है बाय द हेल्प ऑफ बेसिस। तो क्या बोल रहे हैं कि कोई भी सबसेट टाउ में क्या होता है, एक्स का सबसेट होता है। तो कौन सा यू कोई भी सबसेट है, एनी सबसेट एक्स का, वो टाउ में आएगा, कब आएगा उसके लिए कंडीशन है। अच्छा, ए सबसेट यू, एनी सबसेट यू एक्स, एक्स का सबसेट है वो टाउ का एलिमेंट होगा। इसको तुम ऐसे बोल सकते हो, दैट मीन्स यू इज सेट टू बी ओपन, यू ओपन है इन एक्स। जैसे हम लोग रियल में बोलते हैं ना कि दिस इज ओपन सेट इन रियल आर, ठीक है, बट यहाँ पे टॉपोलॉजी भी होगा विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपोलॉजी। तो यहाँ पे क्या होगा, यू इज सेट टू बी ओपन इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द टॉपोलॉजी टाउ। दैट मीन्स सिंपल बात, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, टाउ के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग ओपन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि यू जो है वो टाउ के अंदर आएगा, इसी का मतलब बोलना चाह रहा है कि ए सबसेट यू ऑफ एक्स, एक्स का कोई सबसेट वो टाउ का एलिमेंट होगा, दैट मीन्स यू बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है, दैट इज यू बिलोंग्स टू टाउ। ए सबसेट यू ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ टाउ, ऐसे लिख सकते हो, दैट इज यू बिलोंग्स टू टाउ। इसका मतलब ये बोलना चाह रहा है कि यू टाउ में होगा, कंडीशन क्या है, इफ इफ फॉर यू के अंदर जो जो एलिमेंट है, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, यू के अंदर जो जो एलिमेंट है, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट, बेसिस के अंदर जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग बेसिस एलिमेंट बोलते हैं, बेसिस एलिमेंट बी बिलोंग्स टू क्या, स्क्रिप्ट बी। अच्छा, ए है बेसिस का बी, स्क्रिप्ट बी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी सच दैट ये जो बेसिस एलिमेंट मिला उसके अंदर एक्स रहना पड़ेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी, एंड दैट बी इज ए सबसेट ऑफ यू, दैट बी इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। अच्छा, एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, तो कोई भी बेसिस एलिमेंट, कोई भी बेसिस है, इसकी भी कोई एक बेसिस है, ठीक है। बेसिस क्या होता है वो तो मैंने बोला, बेसिस को एग्जांपल से मैंने क्लियर कर दिया कि एक्स कोई एक नॉन एम्प्टी सबसेट है और बी एक बेसिस है, तो कोई भी टॉपोलॉजी जेनरेट होगा। माने मैं क्या करूँगा, मैं टॉपोलॉजी जेनरेट करूँगा बाय द हेल्प ऑफ बेसिस। क्या बोल रहा है कि वो जो टॉपोलॉजी के अंदर एलिमेंट होता है क्या होता है, एक्स का सबसेट ही होता है ना, एक्स का सबसेट साथ है वहां पे। तो एक्स का सबसेट अगर कोई यू है तो वो यू टाउ में कब रहेगा, वो यू टाउ में बिलोंग्स कब होगा, के बोल रहा है कि, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि यू इज सेट टू बी ओपन इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टॉपोलॉजी टाउ। क्या बोल रहा है कि टाउ में यू कब आएगा, यू को टाउ में अगर आना है तो कंडीशन क्या है कि यू के अंदर क्या होना पड़ेगा, इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, यू में जो जो एलिमेंट्स है वो सब के लिए क्या मिलना चाहिए तुमको, जो बेसिस है इस बेसिस में क्या मिलना चाहिए, एलिमेंट मिलना चाहिए। बेसिस में जो एलिमेंट होता है सपोज तुम क्या मान लो उसको, बी मान लो, सिंपल बी। तो इफ फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, कोई एक सबसेट एक्स का वो टाउ में आएगा अगर फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, यू के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिले, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट। बेसिस एलिमेंट का मतलब ये जो बेसिस है इसके अंदर एलिमेंट मिलना चाहिए, बी जो कहाँ पे होगा, जो होगा स्किप बी पे, बेसिस पे, सच दैट क्या होगा, वो जो बेसिस एलिमेंट है ना उस बेसिस एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एक्स आएगा, एक्स बेसिस एलिमेंट एक्स को कॉन्टेन करेगा, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड सबसेट बी इज ए सबसेट ऑफ यू, ठीक है, बी इज ए सबसेट ऑफ यू, ये है तुम्हारा डेफिनेशन। इसी को यूज करके तो यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारा ये है कि ये जो टाउ है, मैं टाउ कैसे मैं बना रहा हूँ, टाउ किसका सेट है, टाउ इज द कलेक्शन ऑफ दोस सबसेट्स ऑफ एक्स सच दैट जिस सबसेट्स का हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिल रहा है, एक बेसिस एलिमेंट बी मिल रहा है बेसिस पे, सच दैट एक्स अगर बी पे है और वहाँ पे बी क्या है, बी सबसेट ऑफ यू है। तो मैं तुमको दिखाऊंगा अंडर दिस कंडीशन, देखो यहाँ पे ये जो है तुम्हारा कंडीशन, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ पा रहे हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये है तुम्हारा। तो मैं तुमको दिखा भी दूंगा कि इस कंडीशन के ऊपर बेस अगर तुम कोई टाउ बनाते हो
तो टाउ तुम्हारा टॉपोलॉजी होगा। अच्छा ये तो बोला गया है, इसको मैं वेरिफिकेशन भी करवा दे रहा हूँ, मैं एक बार चेक कर दे रहा हूँ। अच्छा तो चेक करने का मतलब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिखो कि ये जो टाउ है ये टॉपोलॉजी होगा, माने तीनों कंडीशन को होल्ड करेगा। मैं दिखा रहा हूँ देखो, वेरिफिकेशन किसका, वेरिफिकेशन ऑफ टाउ इज ए टॉपोलॉजी। टाउ टॉपोलॉजी होगा उसका वेरिफिकेशन, टाउ टॉपोलॉजी होगा उसका वेरिफिकेशन। एक बात बोलो, टाउ टॉपोलॉजी होगा उसका वेरिफिकेशन। पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे टाउ में फाई भी दिखाना है, और क्या करना है मुझे जो तुम्हारा कैपिटल एक्स है यूनिवर्सल स्पेस उसको भी दिखाना है। तो दोनों को मुझे दिखाना है। तो पहले चलो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मुझे तो क्या करना है, यू एक्स में आएगा, यू एक्स में आएगा। कंडीशन क्या है कि अगर क्या हो, सॉरी मैंने गलत बोला, यू टाउ में आएगा, आएगा जो यू क्या है एक्स का सबसेट है। कब आएगा कि अगर यू के हर एक एलिमेंट के लिए क्या मिलता है, एक बेसिस एलिमेंट मिलता है बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी, सच दैट उस बी में एक्स रहेगा और बी यू का सबसेट होगा। तो इसको यूज करके मैं दिखाऊंगा कि टाउ जो है वो सभी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा, माने टॉपोलॉजी होने के लिए। तो नंबर वन मैंने क्या किया, इफ इफ यू, मैंने फाई लिया, ठीक है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ ये फाई मेरे टाउ में है या नहीं है, फाई टाउ में है या नहीं है। अब देखो तो फाई में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, यू फाई में तो कोई पॉइंट नहीं है। इफ फॉर ईच एक्स, तो तुम चेक करने जाओगे फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, तो तुमको एक बेसिस एलिमेंट भी मिलना चाहिए। अब देखो तो फाई में तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या होगा, वैक्यूअसली ट्रू हो जाएगा। इफ यू बिलोंग्स, इफ यू फाई देन देयर इज नो पॉइंट इन, देन देन देयर इज नो पॉइंट इन, नो पॉइंट इन क्या, इन यू, दस इट इज, दस इट इज वैकुअसली, वैकुअसली ट्रू दैट, ट्रू दैट फॉर ईच, ट्रू दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू, एक्स बिलोंग्स टू यू, दे आर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू बेसिस का भी, दे आर एग्जिस्ट ए बी एंड एक मेंबर मिलेगा बी बिलोंग्स टू बी, क्योंकि कोई तो एलिमेंट ही नहीं है। तो तुम वैकुअसली लिख सकते हो, वैकुअसली ट्रू दैट फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू दे आर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू बी, सच दैट क्या होगा, सच दैट मैं लिख दूंगा कि एक्स कहाँ पे आ रहा है, एक्स बी पे आ रहा है और बी क्या हो रहा है, यू का सबसेट हो रहा है, क्योंकि यू तो फाई है, ये तो होगा ही होगा। अच्छा यू अगर फाई है, अच्छा तो मैं बोल सकता हूँ कि फाई का सबसेट, फाई का देखो फाई है तो एक बी मिलेगा, ठीक है। तो वैकुअसली ट्रू हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे कि दस 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 यू, ये जो यू है देखो तो ये कंडीशन होल्ड किया, इसका मतलब क्या है बोलो। तो अभी हम लोगों ने क्या बोला, एक सेट जो एक्स का सबसेट है, एक सेट जो एक्स का सबसेट है वो टाउ में कब आता है, टाउ में आने का ये कंडीशन है कि एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए, एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए इसकी बी में, सच दैट एक्स बी में हो और बी सबसेट ऑफ यू हो। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, दस यू बिलोंग्स टू, यू बिलोंग्स टू टाउ, और यू का मतलब क्या है फाई, दैट इज यू माने फाई, तो फाई बिलोंग्स टू क्या हो गया, फाई बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है। अब देखो तो मैंने यू को फाई लेके मैंने दिखाया गया कि फाई तुम्हारा टाउ में है। अब मुझे क्या करना है, इफ यू इज कैपिटल एक्स, तो दिखाना है कि वो एक्स तुम्हारा टाउ में है। तो दैट मीन्स लिखो इफ यू इज कैपिटल एक्स, ठीक है। यू को मैंने क्या ले लिया, कैपिटल एक्स। तो मैं बोल सकता हूँ देखो, तो इफ यू इक्वल टू कैपिटल एक्स देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू, ईच एक्स बिलोंग्स टू यू। एक बात बोलो, हम लोगों ने बेसिस में क्या पढ़ा था कि कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या मिलना मिलता है, कैपिटल एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक बेसिस एलिमेंट मिलता है एक्स बिलोंग्स टू बी, और जो बी कहाँ पे होता है, बी देयर एग्जिस्ट ए बी जो होता है तुम्हारा बेसिस पे, ठीक है। तो हर एक एलिमेंट के लिए, तो एक्स के हर एक एलिमेंट के लिए यू यहाँ पे एक्स है, तो एक्स के
के हर एक एलिमेंट माने कैपिटल एक्स का हर एक एलिमेंट माने यू का, तो देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू बाय द कंडीशन, कौन सा कंडीशन, बेसिस का नंबर वन कंडीशन, देन फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू यू बाय कंडीशन वन, बाय कंडीशन वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ, बाय कंडीशन वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ बेसिस दे आर एग्जिस्ट क्या था, दे आर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट, दे आर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट, ए बेसिस एलिमेंट बी बिलोंग्स टू, स्किप बी, सच दैट क्या, सच दैट एक्स जो है वो बी में होगा, एक्स जो है वो बी में होगा, एंड बी क्या होगा, दिस बी इज ए सबसेट ऑफ यू, बोलो ये तो बी जो है वो तो यू का सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि बेसिस में जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, एक्स का सबसेट, और यहाँ पे यू क्या है, देखो यू क्या है तुम्हारा, यू तो तुम्हारा पूरा एक्स है ना, तो उसका सबसेट होगा ही होगा यू का। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि मुझे क्या मिला, देखो तो मुझे यू के हर एक एलिमेंट के लिए कैपिटल एक्स था यू, इसलिए बाय द डेफिनेशन ऑफ बेसिस कंडीशन वन, तो मैं क्या लिख बोल सकता हूँ कि यू के हर एक एलिमेंट के लिए मुझे एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा, सच दैट एक्स बेसिस एलिमेंट में आएगा और बी सबसेट ऑफ एक्स माने यू। तो यहाँ से मुझे बोलो इस जगह से तुम मुझे क्या बोल सकते हो, सर यहाँ से तो मैं बोल सकता हूँ कि यू के हर एक एलिमेंट के लिए एक बेसिस एलिमेंट मिल रहा है, सच दैट एक कंडीशन हो रहा है, तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो यू है ये ओपन है ना, ओपन ओपन इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाउ, दैट मीन्स यू बिलोंग्स टू टाउ। तो मैं लिख सकता हूँ दास यू इज, दास यू इज ओपन इन एक्स, दैट इज यू बिलोंग्स टू टाउ, यू क्या होगा टाउ का मेंबर होगा, तो हेंस हेंस मैं क्या बोल सकता हूँ, यू अगर टाउ का मेंबर है तो यू माने क्या एक्स, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया, एक्स बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है एक्स बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो ये हो गया, तो मैंने क्या किया टाउ में फाई को भी दिखा दिया और एक्स को भी दिखा दिया, तो पहला काम हो गया। अब सेकंड काम क्या करना है, आर्बिट्री एलिमेंट लेना है, ठीक है आर्बिट्री कलेक्शन लेना है किसका, टाउ का, और मैं दिखाऊंगा कि उसका यूनियन करने से, आर्बिट्री यूनियन करने से कि वो जो एलिमेंट आएगा वो भी टाउ में ही आएगा, ठीक है। तो मैं इसको यूज़ करके कर रहा हूँ, अच्छा तो पहला वाला हो गया। अब यहाँ पे नंबर वन तो प्रूफ हो गया, अब नंबर टू देखो, नंबर टू मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि लेट नंबर टू, लेट मैंने क्या ले लिया, सेट ले लिया आर्बिटरी यू अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, लैम्डा इज ए इंडेक्स सेट, ठीक है लेट दिस लैम्डा इज इंडेक्स सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे दिस पी एन, या फिर साइड में लैम्डा बाद में लिख देंगे, दिस बी एन आर्बिटरी आर्बिटरी कलेक्शन, दिस इज आर्बिटरी कलेक्शन, क्या आर्बिटरी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ टाउ, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स या फिर मेंबर्स ऑफ टाउ, ठीक है। तो मुझे क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट यूनियन यूनियन को थोड़ा बड़ा सा लिखो, यू यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा, अच्छा यू अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, मुझे इसको टाउ में दिखाना है। अब बोलो तो मुझे इसको टाउ में दिखाना है, तो इसका मतलब क्या करना है, सपोज मैं क्या करूँगा इसको, इसको मुझे टाउ में दिखाना है, तो टाउ में आने के लिए क्या होना पड़ता है, देखो एक सबसेट एक्स का वो टाउ में कब आता है कि जब उस, अगर एक इसको टाउ में आना है तो क्या होना पड़ेगा, इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए क्या होना पड़ेगा, इसके अंदर हर एक एलिमेंट के लिए तुमको एक क्या मिलना चाहिए, एक बेसिस बी मिलना चाहिए, बेसिस एलिमेंट जो बी पे रहेगा, बी बिलोंग्स टू स्किप बी, ठीक है एक्स बिलोंग्स टू बी जो कहाँ पे है, स्किप बी पे है, सच दैट क्या होगा, सच दैट या फिर ऐसे लिखो कि इसमें अगर एक्स लोगे तो दे आर एग्जिस्ट क्या मिलना चाहिए, एक बेसिस एलिमेंट मिलना चाहिए इसके बी पे, सच दैट क्या एक्स बिलोंग्स टू बी, और वो सबसेट ऑफ क्या होना चाहिए ए वाला, सपोज मान लो कि दिस इज यू,
दिस इज यू, ठीक है। मुझे इसको क्या दिखाना है, मुझे इसको दिखाना है ये टाव में है। तो देखो इसको मुझे टाव में दिखाना है। तो सपोज मैं क्या किया, इसको मैंने मान लिया कि दिस इज यू, ठीक है, मैंने इसको ही मान लिया क्या, सपोज दिस इज यू। लेट, इसको सपोज मैंने क्या मान लिया, लेट यू, यू किसको लिया मैंने, यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू लैम्डा यू अल्फा, इसको मैंने क्या मान लिया, दिस इज यू। अच्छा ये यू है। अब बोलो तो ये जो है इसके अंदर जो एलिमेंट्स है यू अल्फा जो है फॉर ईच अल्फा के लिए, ये सब किसका एलिमेंट है, मेंबर्स ऑफ टाउ। तो ईच यू अल्फा इज ए मेंबर्स ऑफ टाउ। तो अब मुझे क्या करना है कि तो देखो तो मैं लिख सकता हूँ कि फॉर एक्स बिलोंग्स टू यू, अच्छा अगर एक्स यू में है, अगर एक्स यू में है, एक्स अगर यू में है तो एक्स यू में अगर है तो इसका मतलब यूनियन में है। तो कोई सेट में अगर कोई एलिमेंट है, अगर वो सेट यूनियन से बना हुआ है तो कम से कम कुछ सेट में तो होगा ना, तभी तो आएगा यहाँ पे, कम से कम एक में तो आएगा ना। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, फॉर एक्स बिलोंग्स टू यू देयर इज सम अल्फा, देयर इज सम अल्फा, देयर इज सम अल्फा, फॉर एक्स बिलोंग्स टू यू देयर इज सम अल्फा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू अल्फा, ठीक है। क्योंकि अगर यू अल्फा में कम से कम एक दो के लिए अगर आ गया तभी तो यूनियन में आएगा ना। तो यूनियन में अगर है तो कम से कम कुछ के लिए तो है, तो फॉर सम कम से कम एक के लिए देयर इज सम अल्फा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू अल्फा, ठीक है। अब एक बात सुनो, यू अल्फा क्या है, यू अल्फा यहाँ पे जो मेंबर है किसका है, टाउ का। तो यू अल्फा इज ए मेंबर ऑफ टाउ। तो यू अल्फा अगर टाउ का मेंबर है, अगर यू अल्फा टाउ का मेंबर है तो इसका मतलब क्या है, यू अल्फा इज ओपन, टाउ का मेंबर का मतलब क्या है, यू अल्फा इज ओपन इन एक्स, ठीक है, यू अल्फा इज ओपन इन एक्स। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि सिंस सिंस यू अल्फा, यू अल्फा क्या है, यू अल्फा इज ओपन इन एक्स, इज ओपन इन एक्स, टाउ का मेंबर माने ओपन इन एक्स, दैट इज सिंस क्या, दैट इज सिंस यू अल्फा बिलोंग्स टू क्या, टाउ, यू अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, यू अल्फा कहाँ पे है, टाउ पे है। तो देयर इज ए बेसिस एलिमेंट, बेसिस एलिमेंट, ठीक है, देयर इज ए बेसिस एलिमेंट। बोलो यहाँ पे एक बात सुनो, यू अल्फा टाउ पे है, तो अगर कोई सेट एक्स का कोई सेट, एक्स का कोई सबसेट अगर टाउ में होता है तो हम लोग क्या जानते हैं, देखो यू अल्फा टाउ में है, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, देयर इज ए बेसिस, एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा, एक बेसिस एलिमेंट बी मिलेगा। अच्छा तुम उस यू अल्फा से, उस यू अल्फा से कोई भी एलिमेंट उठाओ, एक्स उस बेसिस एलिमेंट में रहेगा और बी उसका सबसेट होगा। तो देयर इज ए बेसिस एलिमेंट, देयर इज ए बेसिस एलिमेंट बी बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी सच दैट क्या, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड दिस बी इज ए सबसेट ऑफ क्या, सबसेट ऑफ यू अल्फा, सबसेट ऑफ यू अल्फा। अब बोलो तो एक्स बी में है और बी यू अल्फा का सबसेट है, अब यू अल्फा का सबसेट है, तो बोलो तो ये जो यू है ये तो सबका यूनियन है, तो अगर बी यू अल्फा का सबसेट है तो यूनियन का यूनियन तो और बड़ा होगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि दैट इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू बी एंड दैट बी इज ए सबसेट ऑफ यू सीन्स यू इज ए यूनियन ऑफ क्या, अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट यू अल्फा। अब यहाँ से मुझे बोलो, यहाँ से क्या बोल सकते हो, यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यू इज एक्स बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो क्या देख पा रहे हो कि मैंने एक्स कहाँ से लिया था, मैंने एक्स लिया था यू से, यू क्या था, यू इज द यूनियन ऑफ आर्बिट्री कलेक्शंस ऑफ मेंबर्स ऑफ टाउ। तो मैंने एक्स वहाँ पे लिया तो मैंने दिखाया क्या, वो जो एक्स है वो एक बेसिस एलिमेंट में प्रेजेंट हो रहा है एंड दैट बेसिस एलिमेंट इज अ सबसेट ऑफ दैट यू। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरा जो यू है ये क्या है, एक मेरा जो यू है ये तुम्हारा ओपन है, ओपन इन एक्स। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सो यू इज ओपन इन एक्स, सो यू इज ओपन इन एक्स, सपोज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो यू इज ओपन इन एक्स। तो यू अगर ओपन इन एक्स है तो
तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यू इज ओपन इन एक्स, दैट इज यू का मतलब क्या है, यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट यू अल्फा, दिस इज ओपन इन एक्स, ओपन इन एक्स, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो यूनियन है ओपन इन एक्स का मतलब क्या है, ये टाउ का मेंबर होगा, दिस यूनियन अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट यू अल्फा बिलोंग्स टू टाउ, टाउ का मेंबर हो गया। तो बोलो, तो ये सेकंड वाला काम हो गया मेरा, सेकंड वाला काम हो गया कि मैंने क्या किया, आर्बिट्री मेंबर्स टाउ का लेके उसका जो यूनियन है वो मैंने दिखा दिया, वो टाउ में ही आ रहा है। तो इसका मतलब थर्ड सेकंड वाला काम हो गया। अब थर्ड काम क्या करना है मुझे, मुझे फाइनाइट, फाइनाइट क्या लेना है, फाइनाइट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स टाउ में से लेके मुझे उसका इंटरसेक्शन भी टाउ में ही दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम हो गया। तो देखो मैं क्या करूँगा नंबर थ्री के लिए, कि मैं मान लूँगा लेट U1, U2 ऐसे करके UN, फाइनाइट क्या है मैम, एलिमेंट्स है टाउ का, दिस बी फाइनाइट, बी फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टाउ, एलिमेंट्स ऑफ टाउ, टाउ का मैंने एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो हम लोगों को क्या प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट क्या, U1 इंटरसेक्शन U2 इंटरसेक्शन U एंड सो ऑन UN बिलोंग्स टू टाउ। देखो इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाय द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यूज करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखो, दिस कैन बी शोन बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, देखो दिस कैन बी शोन बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन। तो एन इक्वल टू वन के लिए क्या होगा, फॉर एन इक्वल टू वन, अगर मैं एन इक्वल टू वन के लिए बोलूँ तो एन इक्वल टू वन माने क्या होगा, सिर्फ यू वन, तो एक ही तो सेट है, तो उसका मतलब वो अगर टाउ का ही तो मेंबर है, तो एन इक्वल टू वन, द फैक्ट इज ट्रिवियल। ठीक है, अब एन इक्वल टू टू ले लो, फॉर एन इक्वल टू टू, एन इक्वल टू टू लेट यू वन यू टू, ठीक है, लेट यू वन यू टू क्या है, दो एलिमेंट है किसका, टाउ का। ठीक है, मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है, कि यू वन इंटरसेक्शन यू टू बिलोंग्स टू टाउ ना, मुझे प्रूफ करना है कि यू वन यू टू बिलोंग्स टू टाउ। बोलो तो यू वन यू टू अगर टाउ में मुझे दिखाना है, किसी भी सेट को मुझे अगर टाउ में दिखाना है, दैट मीन्स मुझे क्या दिखाना है, कि उसके हर एक एलिमेंट के लिए जिसको मुझे टाउ में दिखाना है, जिसको मुझे टाउ में दिखाना है उसके हर एक एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना है, उसके हर एक एलिमेंट के लिए मुझे दिखाना है कि एक बेसिस एलिमेंट बी मिलेगा, सच दैट वो बेसिस एलिमेंट में वो एक्स रहेगा और वो बेसिस एलिमेंट उसका सबसेट होगा। तो दैट मीन्स मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक एलिमेंट ले लूँगा, यहाँ से इस यू वन इंटरसेक्शन यू टू से एक एलिमेंट लूँगा, तो लिखो लेट एक्स बिलोंग्स टू यू वन इंटरसेक्शन यू टू। ठीक है, तो दिस तो ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स बिलोंग्स टू यू वन एंड एक्स बिलोंग्स टू क्या, यू टू, एक्स बिलोंग्स टू यू टू। ठीक है, अब देखो एक्स क्या है, एक्स कहाँ पे है, एक्स है तुम्हारा यहाँ पे लिखो, एक्स एक्स है तुम्हारा यू वन पे और यू टू पे ना, एक्स है यू वन और यू टू पे, तो ऐसा काम, एक्स है यू वन यू टू पे ना, तो यहाँ से एक्स यू वन पे है, एक्स यू टू पे है, एक्स यू वन पे है, यू टू पे है। बोलो तो यू वन यू टू किसका मेंबर है, यू वन यू टू, यू वन यू टू आर द मेंबर ऑफ टाउ, तो टाउ का मेंबर का मतलब क्या है, यू वन यू टू आर द मेंबर ऑफ टाउ, दैट मीन्स यू वन यू टू आर द ओपन सेट। तो यू वन यू टू अगर ओपन सेट है, ओपन इन एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ कि यू वन के लिए बोलो अगर एक ओपन है, देखो कोई एलिमेंट अगर टाउ में है, अगर यू वन यू टू, देखो मुझे प्रूव करना है यू वन इंटरसेक्शन यू टू टाउ में है, बट मुझे तो मालूम है ना यू वन एंड यू टू ये दोनों टाउ में है, अगर ये दोनों टाउ में है, जैसे यू टाउ में है तो मुझे एक बी मिलता है, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी आर सबसेट यू। तो अगर मैं बोलूँ कि एक्स बिलोंग्स टू यू वन है और एक्स बिलोंग्स टू यू टू है, और मुझे मालूम है यू वन एंड यू टू
दे आर द एलिमेंट्स ऑफ टाउ, दैट मीन्स यू वन एंड यू टू आर ओपन, दैट मीन्स मुझे ऑलवेज एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा, यू वन के लिए मान लो बी वन मिलेगा और यू टू के लिए मान लो बी टू मिलेगा, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी वन सबसेट यू सबसेट यू वन और एक्स बिलोंग्स टू बी टू सबसेट यू टू। तो ऐसे लिखो, सिंस यू वन यू टू आर ओपन इन एक्स, यहाँ पे लिखो सिंस यू वन एंड यू टू आर ओपन इन एक्स, सिंस यू वन यू टू आर ओपन इन एक्स, दे आर एग्जिस्ट बी वन एंड बी टू इन बेसिस बी सच दैट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सच दैट क्या, एक्स बिलोंग्स टू बी वन सबसेट यू वन एंड एक्स बिलोंग्स टू बी टू सबसेट यू टू। ठीक है, तो अब बोलो तो एक्स बी वन में है एक्स बी टू में है, तो एक्स कहाँ पे होगा, बी वन इंटरसेक्शन बी टू पे, बी वन यू वन का सबसेट है, बी टू यू टू का सबसेट है, तो दिस इज ए सबसेट ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बात सुनो, तो एक्स बिलोंग्स टू एक्स जो है एक्स कहाँ पे है, एक्स बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू और जो क्या है सबसेट ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू है। तो बेसिस का मुझे एक बात बोलो कि यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स अगर बी वन बेसिस जो था, बेसिस का जो डेफिनेशन था वहाँ पे था, सेकेंड कंडीशन क्या था कि एक्स अगर बी वन इंटरसेक्शन बी टू पे आता है तो क्या होगा, एक थर्ड एलिमेंट मिलेगा, थर्ड एलिमेंट बी थ्री जो बी पे होगा, एक्स वहाँ पे होगा एंड क्या होगा बोलो तो, एंड बी थ्री ये सबसेट ऑफ यू वन यू टू। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि दिस, यहाँ पे ऐसे लिखो सिंस एक्स बिलोंग्स टू बी वन इंटरसेक्शन बी टू बाय कंडीशन टू ऑफ द डेफिनेशन ऑफ ए बेसिस, ऑफ ए बेसिस देयर एग्जिस्ट ए बेसिस एलिमेंट बी थ्री बिलोंग्स टू स्क्रिप्ट बी सच दैट, क्या होगा सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी थ्री, और जो क्या होगा बोलो तो बी थ्री क्या होगा सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू, कि कोई कॉमन एलिमेंट अगर इंटरसेक्शन में है, दोनों का इंटरसेक्शन में है, तो एलिमेंट थर्ड एक बेसिस एलिमेंट में आएगा जो सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन का वाला होगा। दस फोर बोलो तो मुझे क्या मिला, देखो दस फोर एक्स कहाँ से मैंने लिया था, एक्स बिलोंग्स टू, देखो एक्स मैंने कहाँ से लिया था, यू वन इंटरसेक्शन यू टू। ठीक है, तो दस फोर एक्स बिलोंग्स टू मुझे क्या मिला, दस फोर एक्स बिलोंग्स टू यू वन इंटरसेक्शन यू टू, देयर इज ए मुझे क्या मिला, देयर इज ए बेसिस एलिमेंट मिला, जो बेसिस एलिमेंट क्या है बी थ्री, देखो बी थ्री बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू क्या बी थ्री, और ये जो बी थ्री है ये क्या है बोलो तो सबसेट ऑफ बी थ्री, किसका सबसेट है बी थ्री सबसेट ऑफ क्या बी वन इंटरसेक्शन बी टू, देखो बी थ्री सबसेट बी वन इंटरसेक्शन बी टू, और बी वन इंटरसेक्शन बी टू के क्या है दिस इज ए सबसेट ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे बी थ्री मुझे क्या दिखाना है कि एक्स अगर यू वन इंटरसेक्शन यू टू पे है तो मुझे प्रूव करना है कि एक बेसिस एलिमेंट मिलेगा, एक्स जहाँ एक्स एक्स उस बेसिस एलिमेंट में होगा और वो बेसिस एलिमेंट क्या होगा सबसेट ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू, तो बी थ्री इज ए सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू एंड वी नो दैट बी वन इंटरसेक्शन बी टू इज ए सबसेट ऑफ यू वन इंटरसेक्शन यू टू। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, यू वन इंटरसेक्शन यू टू। ठीक है, किसको यूज किया, यहाँ पे इसके साथ बी थ्री सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन बी टू एंड बी वन इंटरसेक्शन बी टू इज ए सबसेट ऑफ बी वन इंटरसेक्शन यू टू। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे, मैंने कोई भी एक्स लिया यू वन इंटरसेक्शन यू टू से, उसके लिए मुझे एक बेसिस एलिमेंट मिल गया जिस बेसिस एलिमेंट में एक्स कंटेन कर रहा है और वो इसका सबसेट है। तो बोलो ये जो हम लोग काम कर रहे हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हो कि दैट मीन्स यू वन इंटरसेक्शन यू टू इज ए एलिमेंट ऑफ टाउ, दैट मीन्स दिस इज ए ओपन ओपन इन एक्स। तो यहाँ से क्या लिखूंगा,
सो यू वन इंटरसेक्शन यू टू इज ओपन इन एक्स, हेंस हेंस यू वन इंटरसेक्शन यू टू बिलोंग्स टू टाउ, तो देयर फोर द केस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू। तो एन इक्वल टू टू के लिए मैंने केस को ट्रू दिखाया, तो लिखो देयर फोर द केस इज ट्रू फॉर, देयर फोर द केस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू। लिखो देयर फोर द केस इज ट्रू फॉर, देयर फोर द केस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू। अब मुझे क्या करना है, एन प्लस वन के लिए मान के मुझे एन के लिए दिखाना है। तो लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर, लेट अस एज्यूम इट इज ट्रू फॉर एन माइनस वन, तो एन माइनस वन के लिए ट्रू है। नाउ फॉर एन, ठीक है, एन माइनस वन के लिए ट्रू है। अच्छा, इसके लिए ट्रू है, इसके लिए ट्रू है, माने माने यू वन इंटरसेक्शन यू टू ऐसे करके यू एन माइनस वन तक करोगे तो तुमको वो जो एलिमेंट मिलेगा वो टाउ का मिलेगा। तो मुझे अब क्या करना है, एन के लिए दिखाना है। नाउ फॉर एन, नाउ फॉर एन, एन के लिए प्रूफ करना है। तो एन के लिए प्रूफ करना है, लेट यू वन यू टू यू एन बिलोंग्स टू टाउ, ठीक है। मुझे क्या प्रूफ करना है, वी हैव टू प्रूव दैट क्या यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन बिलोंग्स टू टाउ, मुझे प्रूफ करना है। तो इसको देखो, तो इसको मैं लिया यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, दिस इज यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन माइनस वन इंटरसेक्शन यू एन, ठीक है। अब बोलो, तो मुझे तो मालूम है कि ये जो मैंने काम किया है इंडक्शन के हिसाब से, द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एन माइनस वन। तो एन माइनस वन के लिए अगर ट्रू है, सिंस द केस इज ट्रू फॉर एन माइनस वन, तो इसका मतलब एन माइनस वन तक के लिए ये कहाँ पे होगा, टाउ पे होगा। टू के लिए तो मैंने दिखा दिया था, तो अगर ये टाउ पे है तो इसको एक मान लो और इसको एक मान लो दूसरा वाला। तो सिंस द केस इज ट्रू फॉर, देखो सिंस द केस इज ट्रू फॉर, सिंस द केस इज ट्रू फॉर एन माइनस वन, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन माइनस वन बिलोंग्स टू टाउ, ए टाउ में है। अब देखो ए टाउ में है, तो देयर फोर, अब यहाँ पे एक बात सुनो, यहाँ पे मैं इसको रफ किया। अब देखो एन इक्वल टू के लिए मैंने प्रूफ कर चुका है, एन इक्वल टू टू के लिए द केस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू। अब इसको एज एक मानो, इसको दूसरा वाला मानो, ठीक है। ये टाउ में है, यू एन भी टाउ में है, तो ये दोनों क्या होगा, इंटरसेक्शन उसका टाउ में होगा। क्या लिखोगे के देयर फोर ऐसे लिखो, देयर फोर यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन बिलोंग्स टू टाउ एंड यू एन बिलोंग्स टू टाउ एंड क्या द केस इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू टू। तो यहाँ पे क्या लिखोगे के सिंस द केस इज एज इन द केस ऑफ एन इक्वल टू वी कैन शो, एज इन द केस एन इक्वल टू इज ट्रू वी कैन शो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, वी कैन शो यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन, सॉरी यू एन नहीं, यहाँ पे होगा यू एन माइनस वन, यू एन माइनस वन यूनियन इंटरसेक्शन यू एन बिलोंग्स टू टाउ। तो यहाँ से क्या हो गया, यू वन इंटरसेक्शन यू टू इंटरसेक्शन यू एन बिलोंग्स टू टाउ। तो देखो मैंने क्या किया था, फाइनाइट एलिमेंट्स लिया था टाउ से, यू वन यू टू यू एन, उसका इंटरसेक्शन करके मैंने दिखाया वो टाउ में भी है। तो हेंस टाउ इज ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स, तो हेंस टाउ इज ए क्या लिखोगे, हेंस टाउ इज ए टॉपोलॉजी ऑन एक्स व्हिच इज जेनरेटेड जेनरेटेड फ्रॉम द बेसिस, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रूव किया, देखो बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट जगह था, हम लोगों ने बेसिस
क्या होता है वो पहले देखा एक टॉपोलॉजी के लिए, उसके बाद टॉपोलॉजी बाय बेसिस के हिसाब से कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कि टॉपोलॉजी को जनरेट करना है बाय द बेसिस, ये हम लोगों ने इसका प्रूफ भी कर दिया। बट हम लोग जब एग्जाम्पल लेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। मतलब मान लो कि मैंने एक्स ले लिया और एक बेसिस ले लिया और एक टॉपोलॉजी ले लिया। अब मैं तुमको पूछूंगा कि ये जो टॉपोलॉजी है ये क्या इस बी के द्वारा जनरेटेड हो रहा है। अच्छा, मैंने सबको चार पांच टॉपोलॉजी दे दिया तुमको। अच्छा, अब कोई बेसिस दे दिया, अब तुमको मैं पूछ रहा हूँ कौन सा टॉपोलॉजी किस बेसिस के द्वारा जनरेटेड हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। या फिर मैं तुमको बोलूँगा कि देखो ये तुम्हारा एक्स है, ये तुम्हारा बेसिस है, अब तुम मुझे इसके द्वारा, इस बेसिस के द्वारा एक टॉपोलॉजी जनरेट करके दिखाओ। तो सब काम हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना तक ही रखा, ठीक है। तो बेसिस एंड बेसिस टॉपोलॉजी के लिए बेसिस और टॉपोलॉजी जनरेटेड बाई बेसिस एक बहुत एक इंपॉर्टेंट जगह था, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट इसको देखेंगे, आज इतना तक रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम या फिर कुछ होगा तो मुझे बोल सकते हो, ठीक है।